You clap! You... Welcome back to another vlog. आप लोग देख रहे हैं BS Vlog 1997. आज हम आपको दिखाने वाला है टंगला का जो सबसे महंगा वाला पूजा होता है वो हमारे गांव में ही होता है. वो पेंडल आप देख सकते हैं इधर. इस पेंडल का कीमत ही है 3.5 लाख और टोटल पूजा की जो बजट है वो है 10 लाख और 3 लाख की ये पूजा आप लोग को देखना है तो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर. डेकोरेशन को आप लोग देखो और क्या ही मस्त डेकोरेशन यहाँ पे हर किस्म का टेंपल आप लोग को देखने मिलेगा और ये वगैरह वगैरह लाइटिंग वगैरह और जो कि ये एक मतलब जो ये पूजा का एक परिस्थिति है ना दिल में कुछ खुशियाँ सा लाता है, एकदम मज़ा आ जाता है. देख सकते हो ये अंदर का जो डेकोरेशन है काफ़ी ज़्यादा मस्त है और चमकीले चमकीले नीले नीले पीले एक साथ है. बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है. से निकलते हैं और दिखाते हैं नीचे में कुछ अलग ही डेकोरेशन किया हुआ है. उधर भी जाके आप लोग को नीचे वाला सीन दिखाते हैं. यहाँ पे एक गांव बना हुआ है, छोटा सा गांव है, हरा भरा सा कुछ इस तरह का डेकोरेशन का है जो पुराने ज़माने में का इसी टाइप का बहुत सारा घर देखने को आप लोग को मिलता था. ये डेकोरेशन इस बार क्या हुआ है, टंगला बाबू पारा, इस क्लब का नाम बोलने ही भूल गया. क्लब का नाम है टंगला बाबू पारा. अभी भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस. हर कोई काम में बिजी है. घर को देखो, ये रहने का लायक है. और इसके बाद ये मेरा घर जो है ना, आप लोग ने मेरा घर नहीं देखा होगा शायद. ये मेरा घर है, यही मेरा घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ और रहने वाला भी हूँ. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुरा की जो टंगला की पूजा है उसमें स्पेशल इन्वाइटेड कौन है पता है? स्पेशल इन्वाइटेड है हमारा गजराज महाराज. महाराज से मिलो आप लोग, हमारे स्पेशल गेस्ट है अभी इस बार 2022 का सबसे स्पेशल गेस्ट है हमारे महाराज, प्यारे महाराज गणपति बप्पा मौर्य. तो गाइस कैसे निकलने वाला है रैली, अभी निकलने वाला है रैली तो आपको खुद दिखाते हैं रैली में क्या होता है. तो गजराज महाराज पूरा रेडी है और पूरा कॉमेडी मेंबर भी रेडी. यहाँ पे शुरू हो चुका है रैली और हमारे पूरे टीम के साथ, पूरे बाबूपारा पसंदा के साथ लोग जा रहे हैं इधर से और बहुत तादाद की भीड़ है भाई यार. यहाँ पे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है दुर्गा पूजा.
ये है यूनाइटेड क्लैब। तो हम लोग यहाँ पे आए थे तो थोड़ा बहुत डांस करने, यहाँ पे डीजे शो प्रोग्राम रखा गया हुआ था। ये यूनाइटेड क्लब जो है टंगला से बिलोंग्स करता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने के लिए आए थे, डांस करने के लिए आए थे। तो यहाँ से बोलता है कि आप लोग, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप लोग यहाँ पे डांस नहीं कर सकते, तो जो भी हो। तो हम लोग को मतलब यार मजे नहीं करना चाहिए, देखो प्राइवेट है तो यार लिख देना चाहिए ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है यार। तो डांस करने के लिए आया तो यार सबको भगा दे रहा है, बोल रहा है कि दूसरे एरिया का पब्लिक यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यार गाइस आप लोग बोलो वीडियोस में यार क्या क्या सही है क्या गलत है यार। तो गाइस वो सा हम लोग को भगा दिया था, पर दूसरा एक क्लब आ गया जो बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग आगे बहुत मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा प्लेस मिल चुका है हम लोग को, वहाँ से कहीं ज़्यादा बेटर। जितना बड़ा इन लोगों का पैंडल है उससे बड़ा इनका दिल बहुत अच्छा है यार। जितना बड़ा पैंडल आप लोग देख सकते हैं ना, उससे बड़ा इन लोगों का दिल है यार। यंगस्टर क्लब के लिए एक बार तो हो जाए यार। दिस इज फॉर ओनली फॉर यूथ क्लब टोंगला सुबह फुली यूथ क्लब यूथ क्लब यूथ क्लब यूथ क्लब यूथ क्लब। तो हे गाइस आप उन लोग आ चुका है यहाँ पे, ये है यंग स्टार क्लब। इन्होंने बहुत ही धूमधार से यहाँ पे सेलिब्रेट किया हुआ है दुर्गा पूजा का। कितना साल हो गया अंकल आप लोगों का? हमारा 32 साल हो गया। 32 साल का जो ये सेलिब्रेशन है आप लोग देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त सीन है। मैं आप लोग को 360 व्यू में दिखाता हूँ। ये देखिए जो इन लोगों का क्लब है, ये खुद का जो एक कल्चर है इतना अच्छे से मतलब मेंटेन किया हुआ है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ के जो प्रतिमा है, जो हमारे दुर्गा माता जी है, उनको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बाहर से लाके शायद आर्टिस्ट किया हुआ है। सबसे मैं बोलना चाहूँगा टंगला का सबसे बेस्ट मतलब प्रतिमा का मूर्ति जो दुर्गा का मूर्ति है यही है। तो हमने बहुत जगह सर्वे किया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा उनका कमेटी मेंबर से हम थोड़ा कुछ पूछेंगे। तो ये मूर्ति कहाँ से आप लोगों ने इन्वाइट किया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है ये मूर्ति? ये मूर्ति हम लोग फिलहाल तो खरपीटे से ले हुआ है, खरपीटे से। लेकिन हम लोग जो ऑफ सीजन जब रहता है तो हम कलकत्ता से हम लोग जो कारीगर है जो कुमार टुली बोलता है वो उससे से मैंने कारीगर आके हम लोग को ये खरपीटा में बना के दे दिया। लेकिन हम लोग हर दिन सोचा था जो 2 साल जो कोरोना के लिए पूजा नहीं हुआ, पब्लिक हम लोग का जो रिश्तेदार लोग है, जो हमारे गाँव के लोग है, इतना परेशानी में है। जब माँ का पूजा नहीं होगा तो इसे बहुत दुर्बल महसूस होता है, इसीलिए हम लोग इधर सोचा है। हम लोग एक बात बताएंगे, आप लोग का मूर्ति का बजट कितना था? मूर्ति का बजट था हमारा 1,02,000 था। और जो ये आप लोगों के इतना शानदार आलीशान वाला बिल्डिंग जो आप लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पब्लिक देखेंगे ना तो पब्लिक कमेंट भी करेंगे। हमारा पब्लिक दिल्ली से देखता है, बहुत जगह से देखता है। तो ये पैंडल का टोटल बजट कितना है? पैंडल का जो हमारा जो नोंदी बोल के हमारा ये क्लब का मेंबर है वही बनाता है, इसीलिए क्लब का जो नोंदी मेंबर वो थोड़ा कम करके बनाया। हम लोग का जो मेंबर है सुशांत दास वो भी हम लोग का साथ में है, इसलिए हमका इसीलिए तो बजट था 2,02,000, लेकिन थोड़ा कमती होगा बोलता है उन लोग का, इसीलिए हम लोग का थोड़ा कमती में हो जाएगा। अच्छा ओके, अभी मैं एक लास्ट बात बताना चाहूँगा, आपका टोटल पूजा का बजट आप लोगों ने कितना बनाया हुआ था? हम लोग तो फिलहाल 5,00,000 लिया था, अभी कितना खर्च हुआ हमारा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है वो लोग बता सकेगा। हम लोग इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम एडवाइस दे रहे हैं वो भी वही हो रहा है। तो बहुत सारे से पूछे हैं तो आप लोगों ने इतना अच्छा स्पीच दिया, बहुत सारा मोटिव भी किया आप लोगों ने, तो इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं और वीडियो जरूर देखना, वीडियो का चैनल का नाम है बीएस ब्लॉग्स 1997। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हे गाइस आप लोग जैसे देख रहे हो तो हम उन लोग आ चुका है फिर से बाबूपारा में, तो सारी जगह का वीडियो आप लोगों ने देख चुका है। अभी आप लोग को देखना है बाबूपारा जो टंगला का सबसे हाईस्ट बिगेस्ट बजट का पूजा है, तो यही है टंगला बाबूपारा प्रगति संघ से है। और भैया से थोड़ा कुछ सवाल पूछेंगे, भैया उनका जवाब देंगे। तो भैया ये जो आप लोगों ने इस बार इतना अच्छा 75 ईयर का सेलिब्रेट किया हुआ है, मतलब प्लेटिनियम जुबली में जो आप लोगों ने सेलिब्रेशन किया है, उसके मतलब एक इसमें क्या क्या इतना खासियत कुछ क्या है वो थोड़ा बताएंगे पब्लिक को। इस साल में मान लीजिए 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे, जिसको हम लोग डायमंड जुबली बोलते हैं, इसमें हम लोग मतलब पूरा समाज का बाबूपाड़ा का सभी का सहयोग मिला करके हम लोग बजट बनाए थे 10-12 लाख का, लेकिन अब बजट क्रॉस कर चुका है। और जिनमें मतलब पैंडल का 4.5 के आसपास गया,
और मूर्ति में हम लोग का 65,000 के पास गया है। खैर जो भी हो, मूर्ति का डोनर हम लोग का निकल गया है और कलेक्शन भी हो ही रहा है, सबने अपना अपना सहयोग बढ़ाया है। और हम लोग में इसमें खास बात ये किए हैं, जैसे एक तो डेकोरेशन बहुत अच्छा किया और सभ्य तरीका से किया, जिसमें हर समाज हर वर्ग के इंसान को ऐसे लगे कि हमारे मर्यादा रखी गई। मेन इसमें देखने की बात ये है, जैसे माँ पार्वती का सतीपीठ का जो अंश गिरा था ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ पे, उनका जहाँ भव्य मंदिर है उस मंदिर के मतलब पिक्चर कलेक्शन करके वो हम लोग दोनों साइड में लगाए, जिसकी वजह से एक अच्छा थीम आया। जिन लोगों को जो शास्त्र के बारे में जानते हैं उनको तो हम लोग क्या बताएंगे, लेकिन जो कुछ अनजान व्यक्ति हैं उनको इस चीज़ के बारे में नया ज्ञान हुआ कि माँ सती का यहाँ यहाँ पे ये अंश गिरा हुआ है। जैसे माँ कामाख्या में माँ का योनि गिरा हुआ है, जम्मू कश्मीर में माँ का हृदय गिरा हुआ है। तो वो सब चीज़ जैसे मतलब लोग कलेक्शन करके समझाने का कोशिश किए, एक नया थीम दिए, जिसकी वजह से समाज को एक नया ज्ञान मिला है, धर्म के प्रति जानकारी मिला है। और हम लोग का मकसद भी वही था कि समाज जागरूक हो, सनातन धर्म आगे बढ़े और सबका सहयोग मिले, सबका साथ मिले और सबके साथ हम लोग आगे बढ़े। तो और आप लोगों का जो ये 75 का स्पेशल क्या था? स्पेशल में हम लोग समाज को एकत्रित करना, सनातन धर्म को जागरूक करना। जो आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग मोबाइल और आईपैड में ही रह गए, न तो उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी है, न उनको शास्त्र और धर्म के प्रति ज्ञान है। लेकिन यहाँ आके उनको ये चीज़ समझ में आई है कि धर्म कितना इम्पोर्टेंट है। अगर धर्म नहीं है तो अपना अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग अपना अस्तित्व जगाने के लिए मेन स्पेशल मेन मोटिव यही है, सनातन धर्म का प्रचार करना, उसका एक विशाल समाज में मतलब व्यक्तित्व प्रेजेंट करना।